ये तो होनी थी, प्रबंध होगी तो होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। जय श्री राम भाई लोगों, सर भाई लोग कैसे हो, मस्त हो, मजे में हो। तो मजे में जी आज एक और नया व्लॉग लेके, और ये व्लॉग भाई अब शाम के टाइम चालू किया क्योंकि पिछला व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था ऑलरेडी, तो मैंने सोचा कि भैया नहा धो लिए, रेडी हो गए और अब हमें जाना है भैया कहाँ, वो आपको पता चल जाएगा। वैसे आप थंबनेल देख के समझ जाते हो, समझदार जो हो है। तो चैलेंज वाली वीडियो भैया आपको सबको पसंद आई, उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन आप चैलेंज भैया कमेंट में नहीं लिखते यार, चैलेंज तो लिखा करो यार, ऐसे क्या खाक कंटिन्यू कर पाऊंगा चैलेंज को। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ भाई, घर आए बाद में चले जो सोयो जो भाई जो सोयो जू आनंद आओ। और भाई साहब एसी की कूलिंग ने जो मिस कर रहे हो ना, मैं हकीकत बताऊं था मैं शायद और रूम मारो छोटो जो है, एसी डेढ़ टन को लागू जबकि रूम की कैपेसिटी एक टन की जाए, और मैं डेढ़ टन लगा रही भाई हमेशा एक चीज को ध्यान रखो, ताकि रूम की कैपेसिटी जो डेढ़ टन की थे दो टन को एसी लगा लो। एक बार तो महंगो पड़े लेकिन था कूलिंग के लिए सोच लो कौन पड़ लो, और जल्दी कवर भी करे थे कूलिंग ने, सोच रहे जीव आदमी यार फालतू का खर्चा कराओ, लेकिन जो चीज है वो है। और ये रहा शिवा, शिवा को देना हमें चूरण है, इंजेक्शन लगा दी कोई दिक्कत नहीं, खिला दो, खा लो मैंगो, किसने मना किया आपको, इंजेक्शन खा लो, गुजरात वाले मैंगो खाओगे, डांस करके दिखाओ फिर चलो। तो भाई ये कड़वा सा चूरण मेरे को देना, मेरी ड्यूटी वापस लग गई। और आज शिवा का इंजेक्शन लगा रहा था उस टाइम वो निडल मेरे भी घुस गई, एक बार तो निडल चेंज करनी पड़ी, निडल मार घुस गई आज, कब तो दे ली इंजेक्शन, हाँ तो रख बटे दे रही तुम्हें दे। और भाई इधर है माता श्री, और नैना चाल लोगों ने चाल छोरी तन तीर छोड़े बहुत ज्यादा तभी खराब थी, बहुत ज्यादा भाई मैं भी टाइम क्लिप में लगाई होने के बाद तुम्हें नैना चिंता कर ली, इसलिए दादाजी ठीक हो, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये तो होनी थी, प्रबंध होगी तो होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है ना, ठीक है। ये देखो वो देखो गुजरात वाला आम, बानु तगड़े नहीं आम, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आम, और ये रहा वर्ल्ड्स बिगेस्ट, नहीं नहीं क्या यार, आज नहीं ना यार, आज आपके मजे हो गए ना, ये बैग लेके चलना है, वो इसने मुझे आपको सारा होमवर्क करवा देगी, इसको बंद कर लो, इसको किसने खोल दिया, ये बंद करो, पिटाई कर लूंगा। दूसरे वाले चैनल पे जो व्लॉग डाले थे ना भाई बनू के, उससे जो भी इनकम आई है मैं बोला बनू आपको मैं दे दूंगा, जो भी आई है $20 आए चाहे $50 आए चाहे $100 आए चाहे $200 आए, लेकिन अपन ने जिन्होंने कहा भैया कि बनू वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट इनकम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी तक तो आपके व्लॉग बचे हैं मेरे पास भाई, और बचे हैं तो वो भी डाल देंगे उस चैनल पे अपन, जल्दी कल शायद देखने को मिल जाएगा आपको दूसरा या तीसरा व्लॉग, और आप इंजेक्शन लगाते हैं भाई मोटा, रुक जाओ यार मुंह पर आई है सारा पानी, कहीं और पानी भी शैम्पू को तो बोल, कोई दिक्कत नहीं है, चुन्नी जांग मम्मी के लिए माता माड़े, मम्मी के लिए इसको, बाय बाय, देख देख बाय, आ रही तू, मैं मम्मी की आदत हो गई, देख अब मम्मी को गो मुंडो, देख वो देख तीनों के तीनों निकल चुके हैं भाई, नैना को छोड़ के आऊंगा वहाँ पे, और पीयू 10 दिन रहेगी मामा के, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में अगर टावर मामा के नहीं रही हो तो फिर कोई मतलब भी कौन है, क्यों नैना जी, हाँ जी गर्मी की छुट्टी तो हो ही ना, देखता है मर तो यहाँ भैया गाड़ी फेर जैसी 1000-2000 किलोमीटर लंबी, और भाई प्लान बन रही है पापा मम्मी को खटे घूमवा जावा को, फाइनली भाई देखो सक्सीड हो जाए पापा मम्मी चले जाए, ओहो गाड़ी को पता चल गया पेट्रोल पंप के सामने पेट्रोल डलाना है, देखो तुरंत बोल दी कि नैना जी साथ है, कुछ दे दो खाना खाना है, तो चलो डीजल डलो आ जाओ, एक टंकी तो फुल कराई से भेजा, कंजूसड़ी yes. यो मम्मी कंजूस है ना, नहीं है, तो चलो भाई हम कराते हैं हम गाड़ी में डीजल फुल, और रात को देखते हैं कितना एवरेज दिया भाई, मैंने स्पीड चलाई थी देखो अब तो चिल्ला जी मत 130-140 रेगुलर कम से कम 400 किलोमीटर, क्योंकि नैना देवी जी सो चुकी थी उस टाइम, पापा हाँ? तेज आवाज तेज चलाते हो तो क्या बोलते हैं पापड़ी, क्या कर रहे हो धीरे चला लो भाई, मैं बताता हूँ इस गाड़ी में क्या कर लिया हमने, एक अलर्ट सेव कर दिया, अब जैसे गाड़ी 100 के बाहर जाती है ना तो गाड़ी बोलती जोर से पीयू की आवाज में, पापुड़ी क्या कर रहे हो धीरे चला लो, नैना की तो धीरे सी आवाज आवाज धीरे चला लो, नैना की ज्यादा जोर से ना, मैं ज्यादा जोर से कौन डाली, फिर भी चिक चिक होती रहते, और रात में तो केवल 20-30 बार सुनिया, और तू नींद मुंह टूट कहीं जाकर साहब धीरे चलो, मैं नींद पूरी चेत, मम्मा ने क्या बोला था, मैं बिल्कुल ही सोऊंगी, मम्मा सबसे ज्यादा सोई है, और सबसे तगड़ी चीज बताऊं नैना सो जाए फिर मावला गाना सुने फिर आज तो फिर उठ जाए, कौन से गाने चलाए मैं सुनू भाई साहब बालाजी का भजन, ए भजन कीर्तन टाइप का सुनू जो मैं, हाँ, नींद मन को ना नींद, मैं ज्ञान की बात सुन मन बढ़िया लगा जाए, तो देखो भाई गाड़ी के अंदर डीजल आया 4500 रुपए का, इतना एवरेज हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये गाड़ी चली थी कैलकुलेटर खोल दिया,
देखो मैं बताता हूँ, गाड़ी के अंदर डीजल डाला था अपन ने, मतलब 50 लीटर आया 4500 रुपए, मतलब 50 में 20 पॉइंट कम और 900 किलोमीटर चली गाड़ी, तो भाग दे लियो थे 50 लीटर को, भाई 18 हो गए एवरेज दीजिए गाड़ी। मैंने ना सही शुरू में धीरे चला लिया मैं। भाई मैं बता रही हूँ ना, गाड़ी हाईवे पे तो ताबड़तोड़ एवरेज दे दीजिए, ताबड़तोड़। और अगर मैं शुरू से चलाता हूँ ना 120, 130, 140 तो एवरेज देती। मैं बता दूँ थाने देखो एवरेज निकल रहा तो 1500 नीचे कौन जाओ, तो भाई कोई कंडीशन में हाईवे पे तो कौन जाए। अब लोकल सिटी में दे 11, 12, 10, 9, 11, 12, 10, 9 तो ठीक चले ना, स्विफ्ट को से एवरेज आ गो यार, और कंफर्ट बढ़ो बढ़िया। तो चलो भाई अब हम चलते हैं हमारे ससुराल, आपको मिलाते हैं हमारी सालियों से। सबसे छोटी साली कौन सी है? वो है ना वो कह रही है भी आके चले यार, वो मेरे को भी हो गए डेढ़ एक महीने भाई। ये जो अभी आपने गाना सुना ना भाई साहब, इस गाने का तो डू एंड डाई हार्ड फैन हो मैं। ठीक है माइंड, जो लड़की के इमेज ने बढ़ाई गई जने भाई, बहुत तगड़ी चीज। चाहे आज तक लव रोमांस दो खार यही दिखाओ जा, इन बताएगी कि भाई लड़की की एक कहीं रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कहीं कदर होनी चाहिए, एक लड़की क्या कर सकती है और लड़की रियल में क्या चीज बन सकती है, अगर उसको अगर आप जरा सी भी औकात का अंदाजा दिलाना चाहो। बेटियां क्या बंधी हुई है लड़कियों के पाओ में, अगर कोई, हाँ मैं ऐसे नहीं कहती सभी लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन कई लड़के होते हैं जो अपन को खुद को ऐसे लगता है ये लड़की मेरे पैसों पे ही पल रही है, मेरे ही कहने पे चलेगी, शादी हो गई तो नौकर ले आए, ऐसा नहीं होता यार। लड़की चाहे ना तो उसको ठोकर मार के खुद की भी एक अपनी अलग इमेज बना सकती है। बस ये गाना है ना, जो ऐसे गाने और बनने चाहिए ताकि लड़कियों को खुद की अहमियत पता चले, खुद का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो वो दबा देती है बच्चों के प्यार में या फिर घर वाले की इज्जत, समाज की इज्जत के चक्रों में वो दबा देती है। मैं चाहती हूँ कि एक ही जिंदगी है यार, गुलाम बन के तो नहीं रहना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, गुलाम बन के नहीं रहना। बिल्कुल भाई, एक चीज बताऊं मैं, कहीं मुझे कई बार मैं कई लोगों के देखे भी हूं, ब्याह कर लिया यार, अरे वाह कर दे लिया यार, लुगाई जा यार भाई, बस नौकर थोड़ी ले रहे थे, मतलब बराबर को एक हाथ छे था कि वहाँ अरे भी नौकरानी समझो, तो नौकरानी तो कौन है, वो नौकरानी नहीं है। अगर आप उसको इज्जत दोगे तो डबल इज्जत देगी, कभी भी ऐसे मत सोचना कि वो नौकर है, क्योंकि वो अगर कुछ कर रही है तो वो अपनी फैमिली को ही आगे बढ़ाने के लिए कर रही है, खुद के लिए नहीं कर रही है। बिल्कुल भाई, और आदमी भी कर रहे थे, सब आदमी के लिए कौन है भैया, 95% आदमी जेन्युइन हो जाए, 5% यहाँ हो जाए, आज के टाइम में 90% लोग ऐसे ही होते हैं, 10% जेन्युइन होते हैं। अच्छा ठीक है भाई, मेरी परसेंटेज गलत हो रही, मैं तो जेन्युइन छुई कौन, मैं सबसे खराब आदमी मैं इजमा कर, मैं क्यों ना, ऐसा नहीं मैं बोल रही पता है, ऐसे लोगों की सोच ऐसी हो जाती है कि लड़की आई है छोड़ के तो उसका कर्तव्य है कि वो उसका डांट सुने, वो उसकी काम करे, फिर भी उसके ताने सुने कि मैं कमा के ला के दे रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज बताऊँ क्या, एक काम कर लियो चाहे थे सारा दिन थे घर अंदर, काम कर देख लियो एक दिन, भी था कि औकात को अंदाजा लगा जाए। बिल्कुल, एक बार मैं बात बताती हूँ, एक कस्टमर आई थी मेरे पास खाता खुलाने, तो मैंने उससे पूछा था कि आप क्या करते हो, तो उसका हस्बैंड बोला कुछ नहीं करती घर पे रहती है। मैंने कहा कुछ नहीं करती घर पे रहती है, यही बहुत बड़ा काम है घर पे रहना, तुम रह के देखो कितने काम तो तुम्हें वैसे निकल जाए, कम से कम बाहर जाके तुम्हें एक पर्टिकुलर काम करना है कि अपन को यही करना है, अपन को पैसे, घर में इतने काम होते सोच भी नहीं सकते, घर का काम दिखता नहीं है, बच्चों को संभालना, माँ बाप को संभालना, घर संभालना, खाना बना के देना, समाज संभालना भैया, समाज संभालना सबसे बड़ी चीज। जब आप कहीं जाओ आपकी रिस्पेक्ट करना, और जब पता चले कि भैया मेरे को नौकरानी समझता है फिर भी रिस्पेक्ट कर ले, तो मैंने लिटरली उसके हस्बैंड को बोली थी ये हाउसवाइफ होना कोई आम बात नहीं है, मत बोलो कि कुछ भी नहीं करती है, हाउसवाइफ होना बहुत बड़ी बात होती है। चलो भाई वो ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, कहीं डाइजेस्ट को न लो, नेगेटिव कमेंट आओला, कई बहन भैया का दिल में बस जाओ ना, सबके लिए कौन यार, जो सही जगह सही जगह, और चूटर मूटर खटपट पे कौन खेलिया भाई, खटपट सबके चाल जगना आते देवे हो यार, शाम ने लड़ाई करवा लाग लाओ, ए क्या है मैं तेरे पाँव की जूती नार कर दो खड़ा डिस्को डांस। लड़के गलत होते हैं, लड़कियां भी कहीं कहीं गलत होते हैं, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि जिस हिसाब से आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना कि लड़कियों को कम समझा जाता है, उस पे मैं बोल रही हूँ, सब परिवार में ऐसा नहीं होता। इज्जत यार एक चीज और बता दूं मैं आपको, सुनो लड़का लड़का लड़की लड़की खूब कर लिया, लड़कियां भी सही गुण दो अतरी है ना, और लड़का भी सही गुण है। और आजकल एक चीज बता दूं मैं, पहले टाइम पर लड़का ज्यादा कमी काट रहा था, आजकल लड़कियां भी ज्यादा कमी काट ले रहे हैं। हाँ भाई ये मत समझो भाई एक तरफा ज्ञान दे रहे हैं, दोनों तरफा में ही कमियां रह जाए और चीजा ने सुधारी जा सके, समय दे बाप सब चीजें सुधरे से, कोई चीज खराब कौन है भाई, थोड़ा सा नॉलेज लो, थोड़ी सी समझ लो, और सबसे बड़ी चीज परिवार की रिस्पेक्ट के लिए जीवो सीखो, सीखो सबर कर वो सीखो, कदे जिंदगी में तू मैं ही कौन होली, अगर परिवार ने सोच लिया, इज्जत ने सोच लिया ने, जिंदगी में मैं था खोज टिकर मैं खेदूला बट टिकर निकल जाऊंगा भाई, तेरे खेदू लड़ाई होगी। जिस दिन अगर परिवार और इज्जत समझ लेगा भाई, बाप दादा अपनी आ इज्जत छोड़े जा, और आप भी इज्जत ने अठे ले जाओ, जत से मजो भी इज्जत ने अठे ले रहा हूँ, स्वाद कौन है भाई, मारा सासराम देखो तो काम चल रहे घर को पूरा, और आप पेंटर देख लियो आर्किटेक्चर सॉरी थैली वैली लगा दी यार, पूरा पैक कर रखा है यार, ये सही है यार, और फिर माँ खड़ा पेंटर आता ना बार, इसकी टांग ही कर जाता मैं, करवान तो सब करे जरा सब कुछ चेंज,
यार ओ भाई ऊपर को पोर्शन दिखा रहे काम चल रहे। ये फोर सीलिंग तो पहले से थी, अच्छा थोड़ी ना रहे। ये भाई नैना का रूम देखो आया है, मस्त लग रहा है ना। अभी शायद फाइनल कोट नहीं हुआ, अभी होगा फाइनल, एक कोट और होगा अभी, फिर क्या ये निशान निशान सारे गायब हो जाएंगे। लेकिन सुंदर लग रहा है। हाय हाय ये देखो भाई, दिखाओ ना। हाँ तो मेरा स्टडी रूम भाई, उन्हें ना को स्टडी रूम जो संघर्ष की जीत यही हुई थी भैया। और ये बाथरूम, ये बाथरूम है, ये नैना की फोटो है, देख लो बचपन की। कौन है भाई? देखो तैयारियां चल रही है, देखो कद सब अभी रुक जाए, नानी नानी साले जे चली जाए डैसू। आप ऐसे चलोगे ना? वाह यार ये किसका रूम है? ये सही लग रहा है मेरे को रूम, ना ना पता ही कैसी फीलिंग आ रही है। अगर योगेश है ना बढ़िया, कोई बढ़िया बढ़िया ऑफिसर बन जाए ना पुलिस पुलिस में, भाई साहब अगर सेम वर्दी पहन के, नहीं अच्छा कलर लग रहा है। भाई देखो यार मस्त लग रहा है, ये निशान क्यों रहे ये? अच्छा मेरे को लग रहा है वहाँ कोई कोट रह गई, फिर दोबारा करेंगे तो छोटी मोटी जब तक फाइनल नहीं है जब तक चल लो। लेकिन कलर को मस्त लग रहे भाई कॉम्बिनेशन। हाँ चलो भाई सासरा को टूर करा रहे हो, आस्थान देख लो ऊपर की मंजिल को, फिर बाद में और कराओ ना, फिर कहेंगे सिल्विया दिखाओ। हाँ ठीक है, तू सुन मारी है धक्को दे रही थी जेने वो कंडक्टर को देखे नीचे उतर आगे मुंह करके। और भाई वो बाथरूम से, और देखो बाथरूम ऊपर को, छत वाइट ही होती है बेटा। आ जा हाँ भाई, पहली को मंदिर हो जब नीचे कर दिया, वो कहीं जाए कहाँ कराया कलर? हाँ अच्छा इस पोर्शन में कलर हुआ है, अभी तो इसमें लाइट लगेगी ना तब और मस्त लगेगा, लाइट नहीं लगी। ये नीचे छोड़ दो ना इसको, वापिस आते टाइम ले चलना। चलो भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम हो रहा है, देखो सही है। अरे किचन का एग्जॉस्ट चल रहा है, सॉरी क्या मैंने नहीं चलाया कुछ भी? हाँ भाई मेरा सासरा ऊपर की छत चेते देख ले भाई, छत पूरा होम ट्यूर करा साड़ी, वो कमरों से ही जाए जवाया को कमरों भाई जवाया वो लोग। हाँ तो सुने फूफा और जवाई का काम ये तो कोठे संभाल लेगा। ये देखो ये पूरा शोरूम है, ये भाई तप रहा है लेकिन ये भयंकर तरीके से, ये इन्वर्टर वगैरह पड़ा है और ऊपर इसके अंदर भी कलर कराया बताओ। हाँ तो शोरूम है ना ये? अरे स्टोर रूम नहीं है ये, जैसे आएगी का घर रहेगा फिर। हाँ मारे लिए चिंता मत कर बेटा, तेरी शादी के अंदर है ना ये जीजा ही काम आएगा। लेकिन रूम अच्छा लगे। क्या हुआ सॉली जी? और कहीं गुस्से में आके फोन खा जाए, साली बोल रही है नींद आ रही है आपको? है मैं जाऊँ यहाँ से, जाऊँ क्या मैं? नहीं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, अरे नहीं जा रहा, सोचा 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 नहीं जा रहा, बैठ गई वापस। भाई बहुत समझदार है। और इधर देखो भाई रील वील देखी जा रही सबके हैं, मरीज देखो पीयू के लिए नया। भाई देखो योगेश लेके आया, मनाली गया था अभी घूमने, लेकिन योगेश मनाली के जा रहा है इतनी जल्दी। ये मनाली से धर्मशाला से मैक्लोडगंज। कौन सा गंज? मैक्लोडगंज। भाई आप तो घर पे ना ये नाम मत लेना, नहीं तो किसी को लगेगा गाड़ी बकदी। प्लीज यार मक्कल चलो छोड़ो यार, देखो चलो बस लग रही है ना। हाँ चाकू हाँ जी भैया ही मांझू से किस करने वाली थी मैंने दो तीन जाके वहाँ बानो खुली बिन डाल दिया। देखो कैसे कैसे जेलेस हो गई आर्ची, अब वही पकड़ लेगी, अब देखता हूँ जाओ किसको पकड़ेगी जाके। ओ भाई ओ भाई मारी साली तो भाई काटखनी हो रही है, थोड़ी बिड़ान में ससुराल से तो हो चुके हैं विदा, और अब वापिस जा रहे थे घराने। निकलता निकलता भाई रात की बज गई 12, फिक्स 12 बज चुकी भाई। आनंद आ जाए देखो सारो परिवार एक जगह बैठे जब भी, तो एक होड हो ही कोने नैना जे भाई, या तो कल शाम ना होली या फिर परसों सुबह जा ली। अब थे लोग यहाँ खुला यार भाभी यहाँ ही, आपने वहाँ भेज दिया भाई। देखो अभी तो आपका माँ बाप सुनी लेना, मैं यहाँ तो सेल्फिश हो सकू जू नहीं, मत जा मत जा। लेकिन यार बिको भी दिल से यार, भी दिल ने थोड़ी तोड़ी जाए भाई, आपकी मस्त जा रहा हो कोई दिक्कत को ना, बिका बाद में परसों आई जा ली, फिर परसों भाई भी की ट्रेन से वापसी की, तो जाए ली जो जाए ली, तो बस ये टाइम ने एंजॉय कर ली। मैं इसलिए साथ ले रहा हूँ ताकि भी नहीं फील हुआ कि यार अकेला रहेगा यहाँ रहेगा, बाकी भी को आप जरूरी कौन सो भाई ये टाइम, कहीं आपका बर्थडे के सारे छुट्टियां ले ली, तो फिर भी मैं चल तू तो चल चाली एक दिन की, तो कोई फर्क कौन पड़े।
मोटे हाँ छोटे सॉरी हम लेट हो गए हाँ तो पड़े रुचु थे सुबह मम्मी अब 6 बजे उठा दीजिए नैना रुजना 7:30 उठा दीजिए 6 बजे आपको उठाना है और उसके बाद आपको कॉफी पिलानी है फिर मैं आज आपको एडिटिंग करूंगा उसके बाद जूत देके बाहर निकाल देना मेरे को ठीक है रोज मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 किलोमीटर नहीं मारेंगे हम जैसे ही आराम तो नैना रुजना से जूत दे दीजिए भाई अब लोग लगाएंगे बात से बात कांडी काई करता था ऐसे दोनों हां भाई वो खजन लुगाई कुटेड़ो बार थोड़ी का जब कुटी बात तो सही कर रही है ये प्रोग्राम निकल गया यार ओहो वो बड़ो आदमी खजे ने कजम इनको इन पीर को सासरो और कोई न पीर को सासरो कोई न सास भूल गई सासरा को आसरो मन थारो आसरो सुन लो जी बोरी कोई पीर को सासरो आसरो और कोई न सासरा को आसरो और मन थारो आसरो वाह भाई वाह तारी मम्मी इसको तो मिल बजाय ली मारी मम्मी कदी ली चाल पड़गी ना पड़गी पड़गी वारे ते जो लागी हाथ पट्टे उठे बंद चलो मिल रहा हूं फिर एक दिन चल चल जब मैं फ्री रूला दुकान सुनी हाँ। जी दिन चल अब तो फ्री जा नहीं मम्मी अब काम धंधा संभाल ले हां संभाल तो आई मैं खरी छू आप अत्र मैं तदन भी फ्री मैं तदन घूम रुको नहीं जो परिवार संभाल के आया हूं मेरा पूरा वहां सिलेंडर लीक था सिलेंडर सेट करके आया हूं तो कब बोलती थी तेरे को चला जा संभाले सिलेंडर उसी से धूल पूछ ली उसी से मुंह पोछ हाथ पूछेंगे इसको रख दो सीढ़ियों में रखो दो बेटा वाह यार देखो बेटा वो अंदर वाले रूम में जहाँ मैं सो रहा था तो बोला मैं नानी सोऊंगा रही मैं ये टेबल सेट करूंगा और शिवो शिवो गयो पूजा के साथ अरे यार मारे लिए कौन रुके वो रुके बोले मामा आ जाएंगे तुम आ जाऊंगा नानी सुबह आओ लोगो हाँ, आप क्या कर रहे हो अभी ये क्या कर रहे हो मामा आ रहे हैं क्या रूस को तन जाता है खानो को खाओ बात भेजा करे बनु शिवा अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है लेकिन आप मेरे को बिल्कुल भी बहुत अच्छा लगता अगर आपने ना अच्छे बोलते ना तो वही पनिशमेंट देता लेकिन आपके दुबई के व्लॉग्स है ना एक नंबर है बहुत मस्त है व्लॉग और इसके बाद दुबई वाला व्लॉग या तो कल आ जाएगा नहीं परसों कल से परसों से और बनाया था व्लॉग फिर लेकिन फिर थोड़े से नानी दो अस्त-व्यस्त हो गए बड़ा तो रखा है एक और अच्छा चलो भाई बानु से फैमिली से सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा भाई ये लाग रही अरसा बाद में वापस घर आए भाई साहब माने वीजा बेचे नहीं हम फैमिली में गए हुए थे आप इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे आप है ना कि तो रुक गई थी अगर खाली खाली लाग रही थे मन बहुत अजीब सा लाग रही जब क्योंकि मैं तदन छोड़ी गुना डीला और अब उठे जो बानु पता आज क्या हो रहा है भाई बानु भी शिव भी दीदी भी उठे सब चाने में तो मनी लाग रही घर में ब्याह हो गई सोरा का सारा यहाँ भर को घर जब गए थे ना तो बता ये रूम नानी के नाम होया था दिल्ली नानी और भैया सोते थे बता किस चीज के लिए हाँ। इसी के लिए एसी मस्त ठंडा करता नहीं हाँ। चलो तो महबूबा सोए महबूबा सोए चलो पर नानी को एक प्रॉब्लम होती थी क्या कि एसी अभी गर्म होता था कोई ठंडा होता था एकदम से उधर ठंडो कर जाओ हाँ। तो चलो भाई आज किस प्यारे से ब्लॉग को करते ही एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आसपास कूड़ा कचरा मत फैलाओ राम राम।